नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हाईकमान ने 14 माह पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू को चेहरा बनाकर मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज 14 माह बाद सरकार गिरने के कगार पे आ गई है। तो राज्यसभा वोटिंग के बहाने 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया, वहीं 3 निर्दलीय विधायक जो कि बिल्कुल सुक्खू दावा कर रहे थे मेरे साथ, उन्होंने भी क्रॉस वोट किया। और ये विधायक हरियाणा में है, अभी उनका हिमाचल में आना था आज उन्होंने, लेकिन नहीं आए। और सरकार पे संकट आ गया। वहीं लोक निर्माण मंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो भी बहुत भावुक हुए हैं कि मेरे पिताजी जिन्होंने 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, जिनके कारण सरकार सत्ता में आई, उनकी एक मूर्ति के लिए रिज पे जगह नहीं मिली। और उन्होंने अपने विभाग में क्या क्या दखल अंदाजी मुख्यमंत्री की रही है, अधिकारियों को क्या निर्देश दिए जाते हैं, बड़े भारी मन से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब हाईकमान के पास विकल्प ये रह गया है, क्योंकि असंतुष्ट बागी विधायकों ने कह दिया है कि सुक्खू को बदलो, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलो, किसी और को बनाओ, तब वो पार्टी के साथ आएंगे, अन्यथा वो अपना कोई नया रास्ता अख्तियार करेंगे। अब और उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विक्रमादित्य के इस्तीफा देने से सीधे संकेत मिल रहे हैं कि वो भी अपने समर्थक विधायकों के साथ उन बागियों का साथ आने वाले दिनों में दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस बिखरे ना, लेकिन फिलहाल सरकार से वो अलग हो गए हैं। व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, लेकिन ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है जिसने उनको सत्ता परिवर्तन के कटघरे पे लाकर खड़ा कर दिया है? क्या क्यों वो बीजेपी के समय के अधिकारियों के साथ सरकार चलाते रहे? उनको क्यों पता नहीं लगा कि उनकी उनके आधिकारिक निवास के समीप ही एक होटल में भाजपा के राष्ट्रीय नेता इन बागियों के साथ मुलाकातें करते रहे, और बजट सत्र के दौरान ही, और ये गुल खिल गया कहीं ना कहीं। अब हाईकमान के ऑब्जर्वर भी शिमला आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब सरकार बचाएं या सुक्खू को बचाएं, दोनों विकल्पों में से एक को चुनना होगा। स्थिति यहां तक आ गई है और भाजपा ने दावे कर दिए हैं। इसी बीच आज हाउस से 15 भाजपा विधायकों को भी निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि कल बजट पारित होना और आज कट मोशन पारित होने थे। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रवीण शर्मा जी हैं, विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप सांख्यान जी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। संजय शर्मा जी भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्रवीण जी, ये जो ताजा घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व और उनके राजनीतिक प्रबंधन की असफलता है, ये कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है। और अब धीरे धीरे जो विधायक नाराज हैं, जो मंत्री भी नाराज हैं, कहीं ना कहीं ये बातें करते हुए दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ भी दखल देते थे, यहाँ भी देते थे, और हम हमारे काम नहीं हो पाते थे। जी प्रवीण डॉक्टर साहब, हम लोग इसी विषय के ऊपर 3 बार डिबेट कर चुके हैं जी, और हम लोगों ने आपके माध्यम से इस डिबेट का जितनी भी डिबेटें हुई हैं, उन डिबेटों का निचोड़ यही था कि सुक्खू जी को सरकार मिली है और सुक्खू जी इस सरकार को ये समझ के बैठे हैं कि ये कांग्रेस के लोगों ने मिलकर मेहनत करके नहीं, बल्कि उनकी अकेले की मेहनत की सरकार है। और उन्होंने अपनी मनमर्जी करके जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को रुष्ट करके रखा, आज उसकी परिणति ये है कि सरकार बचानी मुश्किल हो गई हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी को दोष दें तो ये बिल्कुल गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी डे वन से ही कह रही थी कि सरकार के गिरने के आसार हैं, जो उसका दायित्व था उन्होंने किया। परंतु जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की थी, वो इस सरकार के मुखिया थे, उनको अपनी सरकार को संभाल कर रखना चाहिए था, अपने लोगों को संभाल कर रखना चाहिए था। अगर वो 10-12 लोगों को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, इसके लिए अगर हम किसी और को दोष दें, जैसे कल हमने सुना कि विधायकों को पकड़ के वो लेके गए, हरियाणा सरकार लेगी, बीजेपी वालों ने बंधक बना लिया, इस तरह की कोई बातें। अब हालत वो है कि सांप निकल गया है और लकीर को पीटने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु अब सुक्खू जी के पास नैतिक रूप से मुझे नहीं लगता है कि पद पे बने रहने का कोई हक रह गया है। जिस व्यक्ति के पास 34 विधायक कल थे, आज उसमें से 3 और निकल गए, अब कितने लोग बच गए हैं? अब सिर्फ 31 बचे हुए हैं। अब 31 और हिमाचल प्रदेश में सत्ता के लिए 35 विधायक चाहिए होते हैं। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास ना ही
जिसको कहते हैं मेजोरिटी है, और ना ही नैतिकता का तकाजा है कि अब वो पद पर बने रहें। एक महीने तक, 2 महीने तक जिस तरह से उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, जैसे कुछ विधायकों को निष्कासित कर दिया, ठीक है वो बजट पास करवा लेंगे, परंतु उसके बाद क्या होगा? उसके बाद किसी न किसी विशेष अधिवेशन के तहत जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाएंगे। जी, अब तो राज्यपाल के पास आज पहुंचे हैं सुबह 7:30 बजे, नेचुरली अब होगा, काफी डिस्कशन हुई है इस विषय में। आज नहीं होगा, 15 दिनों के बाद होगा, 15 दिनों के बाद किसी भी समय हो जाएगा। परंतु अगर इसका दोष भारतीय जनता पार्टी पर दें तो बिल्कुल गलत है। उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज सही मायने में सुननी चाहिए और अपने अंतर्मन में और अपने पिछले 14 महीनों के कार्यों को बारे में सोचना चाहिए था। सुक्खू जी के बारे में कहा जा रहा था अपने विधायकों की नहीं सुनते हैं। सुक्खू जी के बारे में कहा जा रहा था कि वो 1:30-2 बजे तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। सुक्खू जी के बारे में कहा जा रहा था कि ये योजनाओं को लटका कर रख रहे हैं। सुक्खू जी के बारे में कहा जा रहा था कि जो वायदे उन्होंने किए थे उन वायदों को पूरा करने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब ये सारे इल्जाम के ऊपर थे और ऊपर से टीवी के हम इसके ऊपर बार बार चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे लोग बागी हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में अंदर विद्रोह है, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं सुन रहे हैं और उनके लोग, अगर उनके लोग जो हैं यहां पे आके टीवी पे आकर डिबेट कर लेते हैं और उनको नहीं बताते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि वो सुखविंदर सिंह सुक्खू को अंधेरे में ही रख रहे थे। अब ये जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, हिमाचल के प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ है, परंतु अगर इसके लिए जिम्मेदार हैं तो स्वयं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। आज पार्टी की ये दुर्दशा हो गई है कि एक कैबिनेट मंत्री ने रिजाइन कर दिया है, तो अब उनके पास नैतिकता नहीं बची है, उन्हें चुपचाप इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जी जी सांकेत जी, जो भी घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुक्खू को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ना ही उनका जो साथ का ग्रुप था उनको चेता पाया समय पे। हम इसी मंच से हिंदुस्तान लाइव हिंदुस्तान चर्चा के जरिए कई बार चर्चाएं कर चुके हैं कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी उतारेगी, ये भी हमने कहा। हमने ये कहा ये लोग बागी हैं, सुधीर राणा की जुगलबंदी हो गई है, ये कुछ लोगों को तोड़ेंगे और पार्टी छोड़ने तक की नौबत भी ये ला सकते हैं, लेकिन फिर भी सजग नहीं हुए मुख्यमंत्री। और आज यो ये सारी स्थिति आ गई, सरकार के बने रहने पे जो सवाल खड़ा हो गया है, भाजपा दावे कर रही है कि कुछ दिनों में अब भाजपा की सरकार होगी, तो इसके लिए मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पे, मतलब पार्टी का आपके प्लेटफॉर्म अभी इन अच्छे असंतुष्ट विधायकों से कल से मेरी चर्चा चल रही है, उनका ये कहना कि 14 माह से हम परेशान थे, अब मुख्यमंत्री परेशान हुए तो उनको बहुत दर्द लग रहा है, उनका ये कहना था। परेशानियां उनकी उन्होंने जगजाहिर की, खुले पत्र भी लिखे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई डायलॉग तक नहीं किया गया, कहीं ना कहीं जिदबाजी में रहे मुख्यमंत्री। जी सांकेत जी साहब, मुझे ना एक हमारे राइटर हैं धर्मवीर भारती, उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, और उनकी पंक्तियों में बड़ा साफ लिखा है कि टुकड़े टुकड़े बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा, पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा। जो कल का घटनाक्रम जो विधानसभा में घटित हुआ है, मैं ये कहता हूं कि जो 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, क्या वो विधायक, उन्होंने जो अपना ईमान को गिरवी रखा है, क्या वो हमारे विधायक कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़के नहीं आए थे? उन्होंने कौन सी, और उससे पहले जो भी बातें हुई है उनको मंत्री पद के लेके, मंत्री पद लेके जो भी बातें थी उनको ऑफर किया गया था, उन्होंने साफ इस चीज से मना कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, गारंटियों को लेके और जो जो विषय हिमाचल प्रदेश के अंदर उठने थे वो उन्होंने उठाए। ये अकेले एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को हर आदमी तक पहुंचने की कोशिश की है, और उस कोशिश के चलते मैं मुख्यमंत्री थे नहीं, आप थे शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, वो हैं अभी तक। नहीं, वो हैं जी, नहीं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो अकेले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उन्होंने जो मास कैंपेन या मास बेनिफिट को लेकर जो कदम उठाए हैं, वो कदम एकदम बिल्कुल लोगों की अंतरात्मा में उतरे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस दिन से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी,
उस दिन से भारतीय जनता पार्टी इस उठापटक में लगी हुई थी। और मैं ये कहता हूं कि आप पृष्ठभूमि में जाके सन 2014 से लेके आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या भूमिका रही है, और वो भूमिका जो है वो देश का और प्रदेश का हर गली मोहल्ले का नागरिक उसको जानता है कि सरकार बनाई जाती है उनको कैसे गिराना है। ये ठीक है उनकी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है इसमें थल बल या धन बल का इस्तेमाल किया गया हो। मेरे पास इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना बड़ा जो वोलेटाइल सिस्टम जो हो गया पिछले कल वो हो नहीं सकता। लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी रही कि हम किस्मत भी हमारा साथ नहीं दे गई, क्योंकि जो हमारा जो टॉस हुआ या जो पर्ची हमारी उठाई गई उसके अंदर भी हम हारे हैं। और ठीक है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बधाई की पात्र भी है, लेकिन जो स्थितियां उभर के आई हैं अकेले माननीय मुख्यमंत्री जी को रोक देना वो भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे नेताओं के अंदर जो महत्वाकांक्षी या ओवर एम्बिशियस होना जो था वो भी आपको पता है देश के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस है, प्रदेश के अंदर आपदा भी आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रदेश की कांग्रेस सरकार धीरे धीरे चीजों को योजनाओं को क्रियान्वित कर रही थी, लेकिन इस बीच में जो ओवर एम्बिशन उभर के आया है तो ये चीजें जो सामने आई हैं ये शायद उसका परिणाम है। मैं इस बात से मुकर नहीं रहा हूं, लेकिन ये बात जो जिस तरह से पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता प्रदेश के अंदर व्याप्त हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान मैं कहता हूं ये लोकतंत्र की हत्या भी हुई है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार भी है और ये मानना भी पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही 6 विधायकों को सेंट्रल पंचकूला के अंदर देते हैं, वो ही उनको कॉल करते हैं और उसके अंदर क्या क्या लेन देन हुआ होगा, क्या चीजें हुई होगी वो तो खैर उनके बीच में पता होगा कि क्या हुआ है। लेकिन जो स्थितियां उभर के आई, बाकी आपने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा के लिए विक्रमादित्य जी ने बयान दिया, राजा वीरभद्र सिंह का हिमाचल प्रदेश की राजनीति में है ना बहुत बड़ा योगदान है, और मैं नहीं समझता कि जो प्रतिमा की बात थी वो प्रतिमा आज ही लगती कल लग जाती, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि माननीय वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा लगेगी, और भी छोटे छोटे काम थे वो समय समय पे होने थे। लेकिन जिस तरह का माहौल हिमाचल प्रदेश की देवधारा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल किया है और वो खेल जो है वो लोगों के सामने है। अब जो स्थितियां जो उभर के आएंगी, अब पार्टी ने ऑब्जर्वर लगाए हैं, वो क्या ऑब्जर्वेशन लेके केंद्र में कांग्रेस के लोगों को देते हैं और उसके बाद देखते हैं। और ऐसा नहीं है, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री बुलवा है वो पूरी तरह से स्थिर है। ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज की पत्रकार वार्ता में माननीय विक्रमादित्य जी के साथ 3 थे, 3 विधायक, 2 विधायक थे, खुद एक अपने आप थे और 6 वो हो गए, तो कुल मिला के हमारी जो संख्या है 33 है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो लोग हैं जो नंबर गेम में लगातार माइनस होते जा रहे हैं। संख्या जी आपने कहा कि 2 मंत्री पद उनको दिए गए लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, सुधीर और जिंदर राणा ने, लेकिन उनके साथ जो 4 लोग हैं उन्होंने तो कभी मंत्री पद नहीं मांगा, उन्होंने कोई पद नहीं मांगा, वो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली को लेकर दुखी थे, अपने हलकों में उनके काम नहीं हो रहे थे, और उनको कहीं ना कहीं इंद्रदत्त लखनपाल जी 3 टर्म के विधायक थे लगातार। लेकिन जो आपके नॉमिनेटेड लोग हैं, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं और ये लोग बोल चुके हैं कि आपके नॉमिनेटेड लोग इलेक्टेड एमएलए को दबा रहे हैं। अमीरपुर का दर्द ही ये है, और अमीरपुर जिले में 5 विधायक हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी और एक विधायक सुरेश कुमार जी रह गए, 3 विधायक चले गए, एक इंडिपेंडेंट भी चला गया, मुख्यमंत्री जी अपने जिला में भी सक्षम मिल पाया। हमीरपुर से देखिए व्यवस्था जो संवैधानिक व्यवस्था है कि कितने लोगों को मंत्री बनाया जाना है वो आपके सामने है, उसको सुपरसीड नहीं किया जा सकता। माननीय सुक्खू जी ने उन व्यवस्थाओं का पालन किया, वो खुद हमीरपुर से मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जिला वाइज एक संतुलन तैयार किया था और वो जो संतुलन तैयार किया है उसके हिसाब से ही चीजें की हैं। बाकी ये तो आप कह रहे हैं कि हमीरपुर से अगर हमारे 4 विधायक हैं तो 4 को तो मंत्री पद नहीं दिया जा सकता, और उसके लिए मेरा सवाल ये है कि जो नॉमिनेटेड लोग थे, मुख्यमंत्री के एडवाइजर लोग और चेयरमैन लोग जो उन्होंने नियुक्त किए हैं, वो कहीं ना कहीं एमएलए पे भारी पड़ रहे थे। ये वही पहनी और भी जिलों में ये थी, दर्द था लोगों का।
ऐसी ये तो तो कोई सुना नहीं देखिए गया। संडे के पिछले भी जो बीता हुआ रविवार था, माननीय मुख्यमंत्री जी रवि ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में थे, उससे ठीक 12-15 दिन पहले चैतन्य जी के विधानसभा, माननीय चैतन्य जी के विधानसभा क्षेत्र में सुखू जी थे। रात को डिनर पे भी आते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट पे भी आते हैं, उसके बाद इस तरह की जो चीजें घटित होती हैं, तो ये मैं ये समझता हूँ कि एक जो हमारे अंदर जो अति महत्वाकांक्षा की जो भावना है, और जो भारतीय जनता पार्टी अस्थिरता देश के अंदर या कांग्रेस को लेके आ रही है, ये सारा चलिए का चलिए, इसका वो दुष्परिणाम का चीज तो परिणाम। है। संजय जी, सवाल ये है कि बड़े लंबे समय से भाजपा कहती आ रही थी कि कांग्रेस अपने ही भार से गिर जाएगी, और आज कांग्रेस की सरकार, सुक्कू सरकार, गिरने के कगार पे पहुंच गई है। राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग हो गई है, और उसकी रणनीति सारी पकती रही चंडीगढ़ में, दिल्ली में और हिमाचल में। हो वॉक ओवर के साथ ही वो एक निजी होटल है जहां पे आपके सुधांश सिंह जी बैठे, और 2 दिन में उन्होंने इनको कई तरह के लोभ दिए, प्रलोभन दिए, जो भी होगा पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी। और राजेंद्र राणा सुधीर को मान रहे थे कि ये 2 लोग अकेले हैं, लेकिन ये 4 लोगों को और इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। वहीं पे निर्दलीय होशियार सिंह और आशीष शर्मा की राजेंद्र राणा से नजदीकी किसी से छिपी नहीं है, वो भी साथ हो लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम हुआ है, और पार्टी की ओर से जो आ रहा है विक्रमादित्य का इस्तीफा था कि सेंट्रलाइज करने की, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोशिश की, दखल दिया विभागों में सबके, और किसी को भी मतलब वो संतुष्ट नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि अब नंबर गेम जैसे धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो क्या भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी जल्दी? आपके चैनल के ऊपर जब भी डिबेट में जुड़े हैं, मैंने शुरू से ही मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, और निश्चित तौर पे ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री कैसी फंक्शनिंग करते हैं, क्या किस तरह से काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को इससे कतई कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी फंक्शनिंग से प्रदेश की जनता जो है वो संतुष्ट नहीं थी, जो एक रास्ता मुख्यमंत्री के कार्यप्रणाली से प्रदेश की जनता को मिलता है वो नहीं मिल रहा था। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी केवल एकमात्र प्रश्न उठाती थी कि आपने सत्ता हासिल की है, आपने गारंटीज 10 गारंटियां आगे रखी थी, भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाती थी कि आप सत्ता में आए हैं, अब उन गारंटियों को आप पूरा करें। लेकिन जब जब आपसे बात करते थे, इन्होंने कुछ ना कुछ बहाना, मुख्यमंत्री ने पहले ये कहना शुरू किया, जिस गारंटी का जिक्र उन्होंने कहा था खुद स्वयं अपने उसमें, कि पहली कैबिनेट बैठक में पूरी होंगी। पहली कैबिनेट बैठक के बाद वो कहते हैं कि मैं 5 साल के लिए ये जो गारंटियां हैं ये हमने पार्टी ने 5 साल में पूरी करनी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का हमें मैंडेट मिला है, जो मैंडेट हमें मिला उसके उसको जिम्मेदारी से निभाना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है, और जनता की आवाज बनकर के हम उसको उठाते रहे। वही आवाज जो आवाज हम उठाते थे वही कांग्रेस के विधायकों को भी जनता अभी के अभी बीच में संजय जी, अभी अभी सूचना आई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और शायद मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की अटकलें आ रही हैं अभी अभी कहीं ना कहीं, और विक्रमादित्य शायद डिप्टी सीएम बनेंगे। ये भी एक नई डेवलपमेंट अभी अभी आई है। जस्ट जी, आप करिए बात। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अपनी सरकार को बचाने के लिए एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये सरकार निश्चित तौर पे, ये सरकार जो है वो अंतर्द्वंद से, इस शब्द का प्रवीण जी को भी याद होगा, अंतर्द्वंद शब्द को मैं इस सरकार के गठन के समय से ही मैं प्रयोग में लाता था कि मुख्यमंत्री अंतर्द्वंद से गिरी हुई सरकार के बीच में अपने मंत्रियों और विधायकों के बीच में समन्वय नहीं बना पाए। मंत्रियों के बीच में संवाद की कमी थी, मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच में संवाद की कमी थी, और मुख्यमंत्री की जनता के साथ संवाद में कमी थी। वो कमी जो है वो आज मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं उनको अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर गई। समय रहते मुख्यमंत्री, अगर विपक्ष द्वारा भी जब बार बार चेताया गया, अपने विधायकों द्वारा चेताया गया, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा द्वारा बार बार कहा गया कि आप समन्वय स्थापित करिए, आप संगठन और सरकार के बीच में समन्वय नहीं है, और
कहीं ना कहीं संगठन के बीच में जिन्होंने लंबे समय से काम किया है वो लोग घुटन महसूस कर रहे हैं सरकार की कार्यप्रणाली से और मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से। लेकिन मुख्यमंत्री अपने जो एक उन्होंने मित्र मंडली जो उन्होंने पैदा की थी सरकार बनने के बाद, शायद उनके पहले से भी रहे होंगे, लेकिन सरकारें जो है वो लोकराज जो है वो लोकलाज से चलता है। लेकिन ना तो मुख्यमंत्री ने लोकराज चलाने की कोशिश की ना उन्होंने लोकलाज से चलाने की कोशिश की। जिस तरह से उन्होंने जब सत्ता में मुख्यमंत्री बैठ जाता है तो अगर कोई ग्रुपिज्म भी है तो उस ग्रुपों के बीच में समन्वय बनाने की जिम्मेदारी ये मुख्यमंत्री का ही कर्तव्य बनता है, वो उनकी पसंद हो ना हो ये अलग बात है। लेकिन उनके बीच में क्षेत्रीय संतुलन, आपको याद होगा हम शुरू से कहते रहे कि आपका हो सकता है आपको कांगड़ा से लगाव ना हो लेकिन कांगड़ा को राजनीतिक दृष्टि से आप कमजोर कर रहे हैं। अब अगर कांगड़ा से 3 मंत्री या 4 मंत्री अगर बना देते तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला, भारतीय जनता पार्टी का वो विषय नहीं था, लेकिन यहाँ की जनता को लाभ पहुंचे इसलिए हम उस विषय को बार बार उठाते थे कि आप कम से कम कांगड़ा के राजनीतिक महत्व को कम करके मत आंकिए। आप जो जिला आपको सत्ता का रास्ता दिखाता है उस जिले को आप प्रशासनिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपने नहीं मानी और उसकी परिणति आज आपको देखने में मिल रही है कि आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अगर भविष्य की राजनीति क्या रहेगी इसके ऊपर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जो राजनीतिक हालात जो बनेंगे, लेकिन जिस तरह का कृत्य जो है वो आज विधानसभा के अंदर स्पीकर ने किया है और पिछले कल का कृत्य जो किया है, किस तरह से पूर्व में रहे मुख्यमंत्री को, वर्तमान के विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को, अन्य विधायकों को, जो वरिष्ठ विधायक है उनको आप मार्शल के द्वारा जो वो उठवाओगे, आप मार्शल के द्वारा मार्शल उनके गले को पकड़े, इस तरह की जरूरत नहीं होनी चाहिए। या आज सांख्यान जी कह रहे हैं, आज सांख्यान जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या, जब दिया रंज भुतो ने तो खुदा याद आया, आज आपको लोकतंत्र याद आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र उस समय कब था, कहां था, जब 1979 में शांता कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और किस तरह से उनकी सरकार को आपने गिराया था, किस तरह से उनके विधायकों को कौन सी खरीद फरोख्त से और किस किस लालच से आपने अपने साथ मिलाया था, वो समय भी याद करना चाहिए। इस देश के अंदर कितनी बार आर्टिकल 356 का प्रयोग करके सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। 1992 में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद किस तरह से गिरा दिया गया, उन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का क्या कसूर था, शांता कुमार जी का क्या कसूर था, भैरव सिंह शेखावत का क्या कसूर था, किस तरह से सरकारों को गिराया गया, वो समय याद करना चाहिए। तो आज अगर ये परिणति, अगर आज मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है तो ये सरकार, मैंने बार बार आपके माध्यम से भी कहा है कि ये सरकार अपने ही बोझ से गिरेगी, भारतीय जनता पार्टी को इस सरकार को गिराने की आवश्यकता नहीं है, इनकी गारंटियां इनके गले की फांस बनेंगी। और वही आज ये किसी को भी मुख्यमंत्री बना ले लेकिन सरकार लंबे समय तक प्रदेश में चलने वाली नहीं है, इस बात को आज भी आप अपने चैनल पे नोट करके रखिए। जी प्रवीण जी, देखिए हाईकमान लंबे समय से जो बातें अनसुनी करता रहा उसका कामयाबी ये हुआ कि आज सरकार गिरने के कगार पे आ गई। और अब जब विश्वास खो रहे हैं मुख्यमंत्री सुक्खू विधायकों का, तो जो चर्चाएं आ रही हैं, जो अभी चल रहा है न्यूज चैनल पे, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, और लेकिन नया नेतृत्व क्या होगा इसको लेके अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से जाएगी, और बाकी विधायक भी, राजेंद्र राणा सभी और सुधीर शर्मा सभी अब हाउस के अंदर आ गए हैं इस घटनाक्रम के बाद, कहीं ना कहीं उनको आश्वासन मिला होगा हाईकमान की तरफ से, तभी वो हाउस के अंदर आए हैं। प्रवीण जी क्या होगा अब कांग्रेस का भविष्य, सरकार नए नेतृत्व के साथ में कितना समय चल पाएगी? जी देखो, सारे घटनाक्रम में कांग्रेस के बीच में एक बड़ी दरार तो स्पष्ट देखने को नजर आ रही है। जी किस तरह देखने को आ रही है कि कुछ लोग इस तरफ है, कुछ लोग दूसरी तरफ को है, और इसका अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस का आला हाईकमान। लगभग सेम परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी थी, परंतु वहां पे जो केंद्र था वो बहुत स्ट्रांग था और वो हिमाचल प्रदेश की भाजपा को 5 वर्षों तक एकजुट रखने में कामयाब हो गया। ठीक है, इलेक्शन के टाइम में विद्रोह जरूर हुआ, परंतु 5 वर्ष तक जो है बीच में इस तरह की कोई घटना ना होने नहीं पाई। यहां पर आला कमान का ढुलमुल रवैया जो था वो इस सुखविंदर सिंह सुक्खू की बलि
ले चुका है, मतलब तो यही कहा जाएगा अगर वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए, तो उनकी बलि लेने के पीछे जो है केंद्र सरकार, केंद्र का जो इनका आला कमान है उसी का डूमुल रवैया है। जी ये तो शुक्र करिए सोनिया गांधी जी नहीं थी राज्यसभा जी की प्रत्याशी, तो इतनी बड़ी फजीहत कांग्रेस को देखने को हिमाचल प्रदेश में मिलती जो शायद जी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। ये लोग तो तब भी वही करते जो इन्होंने कहा, जैसे सांख्या जी ने कहा ये सात लोग महत्वाकांक्षी हैं, अब सांख्या जी को इन सात महत्वाकांक्षी लोगों के साथ अगले कुछ समय निकालना पड़ेगा। शब्दों का बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब जैसे कब खाने के लिए आ जाएंगे। अब यही महत्वाकांक्षी लोग जो हैं, अब आप ही सांख्यान जी बताएंगे, ये महत्वाकांक्षी लोग अब सत्ता में होंगे, ये बिल्कुल सत्ता महत्वाकांक्षी लोग प्रदेश के ऊपर रूल करेंगे। अब आप बताइए जब महत्वाकांक्षी लोग सत्ता पे बैठेंगे तो प्रदेश का क्या भला करने वाले हैं? क्या होगा, बिल्कुल जाहिर है, जाहिर सी अगर बात है। आपके अनुसार ये महत्वाकांक्षी हैं, अगर ये महत्वाकांक्षी हैं तो ये प्रदेश का क्या भला करने वाले हैं? और दूसरी बात, लोकतंत्र, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं किया है, अगर किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है, खुद किया है, बिल्कुल अगर कुछ किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया, इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के लोगों ने दिया, वापिस तो आए तो कांग्रेस के लोग आए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बेचारे निष्कासित होकर बाहर बैठे हैं, और उनका तो भारतीय एक जनता पार्टी के व्यक्तिगत पाले में तो राज्यसभा की सीट मुफ्त में मिल गई, मुफ्त में डाल दी, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से। उनका तो टैक्टिक, उनका तो फेल्यूर इतना बड़ा था कि बेचारों ने तोड़े भी तो छे, बिल्कुल अगर तोड़ने ही होते तो सात तोड़ते नहीं, कम से एक कम। एक सूचना, एक सूचना हमारे पास भी है प्रवीण जी। उन्होंने सुदर्शन बबलू भी जो हैं, भुट्टो हैं चाहे चैतन्य है, इन सबके टिकट की पैरवी उस समय अजिंदर राणा करते रहे हैं, ठीक बिल्कुल है। जी, उन्होंने चाहे वो पैरवी हाईकमान के अंदर की, कहीं मुकेश अग्निहोत्री की सपोर्ट ली, कहीं ना कहीं सुक्खू जी की सपोर्ट ली, प्रतिभा सिंह की सपोर्ट ली, लेकिन वो पैरोकार वही थे। और सुदर्शन बबलू भी बताया जा रहा है कि जानबूझकर बीमार हुए ताकि तेती चौती हो जाए और वो अब्सेंट रहे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कोशिशों से वो वोट डालने आए। ये तो बदकिस्मती थी कि पर्ची से चूक गए कांग्रेस प्रत्याशी, मतलब यहाँ पे लेकिन वो भारतीय तो कहीं जनता ना कहीं पार्टी अजिंदर भी राणा के कैंप तो, में है जी। हाँ मेरा कहने का यही तात्पर्य था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी चूकी थी, ये तो बिल्कुल शुक्र करो किस्मत की वजह से वो बच गए, परंतु अंततः यही है कि जो गलतियां सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है वो उन्हीं पे भारी पड़ी। बिल्कुल किसी को भी इकट्ठा रखने का, देखो नेता तो वही थे, चाहे महत्वाकांक्षी लोग थे इनकी पार्टी के अंदर, चाहे इनकी पार्टी के अंदर चोर लोग थे, चाहे इनकी पार्टी के अंदर डकैत थे, अब जो थे चुन के तो आए थे, ये वही, उन्होंने जो एक गुट जो को इनके तवज्जो शब्द दी हैं, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी अपने कह गुट को रहे हैं खड़ा करने की कोशिश में। जो वीरभद्र गुट ही था, यहाँ पे 90% से ज्यादा लोग तो वही थे, उनको इग्नोर करते रहे और उसका खामियाजा खुद गुट लिया उन्होंने, और अरे आप हाईकमान भी देखिए कहीं ना कहीं परेशान हुआ इस चीज हवा देता रहा, प्रकाश चौधरी के साथ उन से। लोगों ने बात ही नहीं की, आखिरकार वो व्यक्ति 2 बार मिनिस्टर रह चुका है, इतनी बार एमएलए रह चुका है, अगर आप उसके अनुसार, मैं मेरे सामने उनके साथ बदतमीजी हुई, जी किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया, बिल्कुल, हाईकमान लंबी तान के सोहरा, तभी तो आज ये फजीहत तक पहुंच गया ये मसला। तो ये सारा खैर मामला जी यहां से पहुंच गया था। अंत में यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अपने भार से गिरी है, ये भारतीय जनता पार्टी को दोष ना दें, और आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी नहीं चल पाएगी इस प्रदेश के अंदर, क्योंकि दरार अब स्पष्ट है। जी बिल्कुल आज कुछ समय के लिए हो सकता है कि सुखविंदर सिंह सुख गुट्टू के लोग चुप बैठे हैं, परंतु उसके पश्चात वो वही करेंगे जो जो इस जो वाले गुट जो ने किया है, जो राणा अब और दूसरे वाले लोग आकर उनको विक्रमादित्य ने किया, महत्वाकांक्षी, बिल्कुल बिल्कुल अब जाहिर दूसरे वाले लोग जी। आकर आपका जी प्रक्रिया एक कमेंट के साथ, क्योंकि मुझे दूसरे चैनल पे जुड़ना बोलिए है, बोलिए मैं बोलिए आपको सरकार की पॉपुलैरिटी का, मैं सिर्फ सुदर्शन बबलू का जो आप आपने जिक्र लाए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा सुदर्शन बबलू को जब ये जो अटैक की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुदर्शन बबलू के वहां पे पंचायत समिति का उपचुनाव हुआ और उनके अपने घर के वार्ड से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 500 से अधिक मतों से वहां पे विजयी हुआ और इस बात का झटका भी उनको लगा। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि नगरोटा बगवा जो कि इनके कैबिनेट रैंक जो बार बार वो लिखते हैं, इनके चेयरमैन जी जो है वो लिखते हैं, उनके वार्ड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पंचायत समिति उपचुनाव जो है वो 300 कुछ से अधिक मतों से वहां पे विजयी हुई। तो
तो ये सरकार की, ये किस तरह की सरकार चल रही थी और आने वाला समय में किस तरह के परिणाम रहने वाले हैं, इस बात को भी कांग्रेस पार्टी को समझ करके चलना चाहिए। इसी के साथ में आपसे इजाजत। जी जी जी, चलिए आप सांख्यान जी से ले लेते। सांख्यान जी, नेतृत्व कहीं ना कहीं विफल रहा है, वो अपने ही लोगों को साथ लेके नहीं चल पाया। हाईकमान ने तो भरोसा जताया लेकिन वो अपनों का भरोसा नहीं जीत पाए। जी सांख्यान जी, प्रवीण जी जिस चीज की एडवोकेसी कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा प्रवीण जी, ये वही विचारधारा से निकल गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कोई भी हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रवीण जी, कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश के अंदर 40 विधायक हैं। मैं मानता हूँ महत्वाकांक्षा राजनीति का एक पहलू है, लेकिन इसके ऊपर पार्टी आलाकमान और पार्टी का जो नेतृत्व है वो बड़ी गंभीरता से सोचता है। इस गलतफहमी में ना रहे भारतीय जनता पार्टी और भी लोग कि प्रदेश के अंदर सरकार गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी चीजें सामने आएंगी उसके लिए अभी थोड़ा समय है और उसके सामने सारी की सारी स्थितियां क्लियर होंगी और आप भी यहीं रहेंगे और मैं भी यहीं रहूंगा। और ऐसा नहीं है कि जो चीजें कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है वो चीजें लामबंद कर ली जाएंगी। आप इस चीज से बेफिक्र रहिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है हिमाचल से जाने वाली है, ये नहीं है, ये पूरे के पूरे 5 साल काटेगी। और इतना मैं आशा से बताता हूँ, आशा करता हूँ, इतना बढ़िया काम करेगी आने वाले 5 सालों में भी रिपीट करेगी। आप भी यही है और हम भी यही है और तब तक देश की परिस्थितियां भी, जो प्रेशर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार बना रही है ना, वो आने वाले समय के अंदर स्थितियां बदलती हैं। लोकतंत्र में हमेशा स्थितियां बदलती है। ये डायकोटॉमी और ये जो थर्मल का प्रयोग है, ये ज्यादा दिन हिंदुस्तान और प्रदेश की जनता ज्यादा दिन स्वीकार नहीं करती। ये स्थितियां जो है वो अपितु देखना आप आने वाले समय में बदलती हुई नजर आएंगी। जी प्रवीण जी, देखिए हाईकमान में प्रियंका गांधी को भी कहीं ना कहीं झटका लगा। उन्होंने हिमाचल का पूरा इलेक्शन अपने कंट्रोल में लिया और बाद में मुख्यमंत्री अपनी पसंद का उन्होंने दिया, लेकिन अब मुख्यमंत्री के खिलाफत इतनी ज्यादा हो गई, वो भी क्योंकि मसले ये थे कि राजीव शुक्ला के पास लोग जा रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जा रहे थे, लेकिन चूंकि सुकू पसंद प्रियंका गांधी की थे इसलिए प्रियंका गांधी तक के पास कोई नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए सुनवाई नहीं हो रही थी लंबे समय से। तभी तो आज यो जो इकट्ठा होता रहा उसका विस्फोट आज हुआ है, पिछले कल हुआ है। पहले तो संख्या जी के बात का जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि जो जो इन्होंने चर्चा की कि मैं एक पार्टी का से आधार तो किसी दौर में हर किसी की निश्चय होती है, कभी कोई कहीं ना कहीं जुड़ा होता। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कायल रहा हूं, क्योंकि मुझे ये हमेशा से लगता रहा है कि वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मैं और लोकतंत्र का हिमायती हूं, हमेशा से मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर अगर कोई चुनी हुई सरकार है तो वो लोकतंत्र और लोगों के द्वारा ही जानी चाहिए, अगर जानी चाहिए, उसको नेताओं को छीनने का कोई हक नहीं है। वो विधानसभा के अंदर किसी की भी सरकार नहीं जानी चाहिए, अगर किसी की सरकार जाए तो वो जाए लोगों के द्वारा, यही लोकतंत्र का असली आधार है। परंतु यहां पे बात आ रही है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के अपनी पार्टी के लोगों के प्रति रवैये की, जिसकी वजह से आज उनको इस्तीफा देना पड़ा। मैंने कभी नहीं चाहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। मैं हमेशा से अपनी सभी डिबेटों में कहता रहा हूं कि वो 5 वर्ष चलाएं, बहुत अच्छे से चलाएं जी, क्योंकि लोगों ने उनको चुना हुआ था। परंतु वो गिरे कैसे? आपकी आलाकमान की गलतियों से और अपनी हठधर्मिता से। बिल्कुल, दो चीजों, अगर वो उसके बाद भी मनन नहीं करना चाहे, अपनी गलती को नहीं मानना चाहे, तो मैं वही कह रहा हूं कि महत्वाकांक्षी अगली बार उनको कहेंगे लोग। अभी आप दूसरे गुट को कह रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद दूसरा गुट आप लोगों को कहेगा महत्वाकांक्षी है। जी जी जी, बीजेपी को क्यों दोष दें? इकट्ठा तो आप लोगों को करके रखना था ना इन लोगों को। बीजेपी तो करेगी वो काम, सत्ती है बीजेपी करेगी, आज वो सत्ता के शिखर पे है। संतुष्ट भी तभी विधानसभा पहुंचे हैं, पहले कहीं और चले गए थे, आप पहुंच गए हैं हाईकमान के साथ। तो चलिए आज हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा को विराम देते हैं। जी उनकी चर्चा को विराम देते हैं। जी तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की नौबत बन गई है। अपुष्ट सूचनाएं आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा की पेश, हाईकमान ने उनसे इस्तीफा मांग लिया है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बजट सत्र के बाद वो स्वीकार होगा और हो सकता है कि बजट सत्र का कल का एक दिन रह गया है। तो राजनीति में काफी उथल पुथल हुई है, इसकी वजह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा अकेले चलना और जो जिनकी असंतुष्ट विधायक थे उनसे संवाद
ना करना, वही पुरानी व्यवस्था के अधिकारियों के साथ चलना जिन्होंने मुख्यमंत्री को गुमराह रखा और उनको ये नहीं पता लगने दिया कि उनके 6 विधायक कहां मिटके कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सीआईडी गुप्तचर एजेंसियां सब फेल हो गई। और मुख्यमंत्री अगर आंखें खोलकर चलते तो ये बेहतर होता, तो आज सरकार ना टूटने की नौबत आती ना नेतृत्व बदलने की आती। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।